जय श्री कृष्णा। जिस तरह से कहा जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, उसी तरह से कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे। गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान कर्म और संन्यास के बारे में बताएंगे। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं ज्ञान का रहस्य और विस्तृत विश्लेषण। यहाँ भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सूर्य को बताया था, और वो बताते हैं कि ये ज्ञान बहुत ही गुप्त विषय है। ये ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया था और समय के साथ अधर्म के बढ़ते हुए ये ज्ञान विलुप्त हो गया। ये ज्ञान बहुत ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। दोस्तों, यहाँ गुप्त से मतलब है कि इस ज्ञान का अनादर नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें इस ज्ञान को जानने के बाद अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ये ज्ञान भगवान अर्जुन को उनका भक्त होने के कारण देते हैं, और ये ज्ञान आज हम तक आ रहा है। ये भी श्री कृष्ण कृपा ही है कि हमें ये गुप्त रहस्य मिला है, तो हमें अवश्य इसका लाभ उठाना चाहिए। चलिए गीता का चौथा अध्याय अब आरंभ करते। श्री भगवान कहते हैं, पहले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत काल बीतने के बाद वह योग परंपरा पृथ्वी से लुप्त हो गई। वही ये पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो। ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के पूर्व में सूर्य से ये योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है, वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योगमाया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बढ़ता है, वही उनको तत्व से जानता है। वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बदलता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। शास्त्र विधि अनुसार कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और शास्त्र विधि रहित अर्थात अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा मांस मदिरा तंबाकू सेवन तथा चोरी दुराचार आदि विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है।
भावार्थ तत्वज्ञान को जानकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म से होने वाले लाभ से तथा शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म से तथा मांस मदिरा तंबाकू सेवन व चोरी दुराचार करना झूठ बोलना आदि बुरे कर्म से होने वाली हानि का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके लिए इस अध्याय के मंत्र 34 में विवरण है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा बुरे कर्म अर्थात शास्त्र विधि रहित कार्य तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं अर्थात पूर्ण ज्ञान होने पर साधक पूर्ण संत तलाश करके वास्तविक मंत्र प्राप्त कर लेता है जिससे सर्व पाप विनाश हो जाते हैं उसको शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है वह कर्मों में भलीभांति बरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा जिसने समस्त शास्त्र विरुद्ध संग्रह की हुई साधनाओं का परित्याग कर दिया है ऐसा अविधिवत साधना को फेंका हुआ अर्थात शास्त्र विधि रहित साधना त्यागा हुआ भक्त केवल हठ योग न करके शरीर से जो आसानी से होने वाली सहज साधना तथा शरीर संबंधी संसारिक कर्म तथा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करता हुआ क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते वे केवल तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी सद्गुण विष्णु जी तमगुण शिव जी की भक्ति करके उनसे मिलने वाली क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी की साधना शास्त्र विधि रहित कही है। इस शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है वह पाप को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है ऐसा कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला अर्थात विचलित कार्य करते करते शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हुआ भी उनसे नहीं बदता क्योंकि पूर्ण संत से पूर्ण मंत्र जाप प्राप्त करने के उपरांत निष्काम शास्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं तथा पाप विनाश हो जाते हैं जिससे कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार गीता अध्याय 6 श्लोक 17 में देखना चाहिए करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोग करने का अभिप्राय है कि पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले साधक अपने शरीर के कमलों को खोलने वाले मंत्र का जाप करते हैं। वे मंत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व श्री दुर्गा जी के जाप भी है जो संसारिक सुख प्राप्त कराते हैं। इनके मंत्र जाप से उपरोक्त देवी व देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है। जो मंत्र जाप की ऋण उतरने के पश्चात शेष कमाई है, उस शेष जाप की कमाई से पूर्ण परमात्मा के साधक को अत्यधिक संसारिक लाभ प्राप्त होता है। इस श्लोक 31 में यही कहा है कि पूर्ण परमात्मा का साधक यज्ञ अर्थात साधना अनुष्ठान से बची शेष भक्ति कमाई का उपयोग करके पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा के विधिवत साधक को संसारिक सुख भी अधिक प्राप्त होता है तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय अर्थात धन के द्वारा किए जाने वाले दान भंडारे आदि यज्ञ अर्थात धार्मिक कर्मों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म संपूर्ण ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौक द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सत। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम वाला चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम गीता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।